अच्छा ये देखो, ये जो रास्ता है ना यहाँ से नीचे जाने का, तो अंदर तो पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन सोच रहे हैं कि रात को नीचे उतर के देखे। वैसे तो खैर भाई रिस्क पूरा है। अभी जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं ना, आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा हमने कर लिया ड्राइव, और वो लोकेशन मैं बता देता हूँ। जैसे अपन आगरा से ग्वालियर की तरफ आते हैं ना, तो थोड़ा सा ग्वालियर के आउटर पार्ट में पड़ती है वो लोकेशन। एक अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, एक पानी की जो टंकियां नहीं होती, क्या बोलते हैं उनको, पानी की टंकी बोलते हैं, जो गाँव में होती है बड़ी बड़ी वाली, नीचे से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर 40-50 हज़ार लीटर पानी भरा होता है, तो वैसी वाली एक टंकी बताई एक बंदे ने यहाँ पे। उसने कहा कि भाई वहां पे जो काम करते थे ना पहले बंदे, उनमें से एक बंदे का पैर फिसल गया था ऊपर से, और हाइट उसकी काफी ज्यादा बता रहा था वो, तो वो ऊपर से ना नीचे ही गिर गया था, तो तब उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि चलो वो तो नॉर्मल सा इंसिडेंट था, पहली बार हुआ था तो ज्यादा किसी ने दिक्कत नहीं ली। फिर दोबारा से ना वहां पे जो और बंदे काम करते थे ना, कुछ दिन बाद में फिर एक और गिर गया सेम टू सेम तरीके से, वैसे ही पैर फिसल के। तो उसके बाद में फिर बंदों को ना थोड़ी सी वो जगह ना यूं लगने लगी कि भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। फिर कुछ दिन वहां पे काम वाम बंद हो गया था, मतलब कोई पानी वानी यूज नहीं होता था वहां से। लेकिन फिर अब क्या हुआ कि अब कुछ लोगों ने फिर से अफवाह उड़ा दी वहां पे कि जो लोग मरे हैं ना, उनके भूत उसी टंकी के आसपास आते हैं रात को और काम करते हैं। जो भी पानी वानी भरना होता है, जो भी उसमें जुगाड़ होता है, वो काम करते हैं और रात को उनकी आत्माएं दिखाई देती है। ये है सिस्टम वहां का। तो आज देखे वहां की आत्माओं से भी मिले। फिलहाल तो दिन में जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि लोकेशन का हमें आइडिया नहीं है, ऊपर से फिर आउटर पार्ट में आसपास कोई होगा नहीं, तो इसलिए दिन में देखनी भी जरूरी है। तो पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, और बड़ी मुश्किल से ढूंढी है भाई लोकेशन। ये दिख रही है ना आपको टंकी, यही वो टंकी है। और कंफर्म करने के लिए ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक ढाबा था, उससे कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा था कि यही वाली है कि कोई और आसपास, तो उसने बोला कि नहीं, जो स्टोरी वाली टंकी है वो यहाँ पे एक ही है, इसके अलावा जो टंकियाँ हैं वो फिर काफ़ी दूर दूर है, 40-50 किलोमीटर दूर है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि टंकी यही है, स्टोरी जो बताई है वो कन्फर्म कर लेंगे आज रात को। बाकी मैं बता दूँ भाई, रास्ता बता हमने कैसे ढूंढा है, इधर दिखाओ। यहाँ पे ना रास्ते ऐसे नहीं मिलते कि तुम गूगल मैप से आ जाओ, ना ना ना, यहाँ पे रास्ते मिलते हैं भाई, इससे तुम्हें कंपास लेके जाना पड़ेगा हाथ में, समझ गए। ऐसे नहीं है तुम सोचो कि हाँ भाई हमारे पास तो गूगल मैप है, ये हम ढूंढते हैं इस कंपास से रास्ते ढूंढते हैं सारे। तो ऊपर की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं एक बार ऊपर की तरफ जाके, टॉप फ्लोर पे, मतलब सबसे टॉप पे तो शायद जाने का रास्ता नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो है ना, यहाँ इस गोल चक्कर तक हम शायद जा सकते हैं, तो देख लेते हैं। अगर ऊपर भी होगा तो ऊपर भी चल लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से है रास्ता इसका ऊपर जाने का, ये है सीढ़ियां यहां से। और एक बार ना ये चारों तरफ देख के तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्या हालत हो रखी है इस टंकी की। इतने टाइम से यहाँ पे कुछ ज्यादा काम वाम नहीं हुआ, ना साफ सफाई का हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए इतने पौधे वोधे उग गए हैं और कीचड़ भी हो रखा है। ऊपर देखते हो ऊपर की तरफ से साफ है या गंदी है, ऊपर की तरफ से मेरे ख्याल से साफ होगी, क्योंकि ऊपर खुले में है तो हवा हवा से उड़ जाती होगी कोई भी मिट्टी विट्टी जो भी होती है। देखो एक बार नीचे की तरफ भाई साहब, काफी लंबी चौड़ी बना रखी है। ओए होए होए, ऊंचाई से डर लगता हो ना तो आना मत यहाँ पे, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है यहाँ, और यहाँ से भी तो ऊपर चढ़ना है, और ये वाली सीढ़ियां बना रखी है ऐसी लोहे की,
इस पे और मजा आएगा भी चढ़ने में। ये देखो यहाँ से रात को ध्यान रखना हमें, इस तरफ जाते हुए भाई इसके अंदर पैर ना चला जाए बस। दूर देखोगे ना मतलब कहीं दूर दूर जाके एक दो घर दिख रहे हैं, वरना यहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं है। अभी पूरा मतलब ऐसे ही गांव टाइप का सा एरिया बन रखा है, तो कहीं कहीं पे खेत है, बाकी सारा ऐसे ही उजड़ा मैदान है बस। घूम फिर के आगे वहीं पे जहाँ से स्टार्ट किया था, अभी हम ना देख रहे थे कि कितनी बड़ी टंकी है, इसलिए राउंड लगाया यहाँ पे। और ना यहाँ पे आसपास मतलब कोई दुकान वकान नहीं है, खाने वाने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा है कि भाई अपना सिलेंडर और चूल्हा ऊपर लेके आएंगे और यहीं मैगी बना देंगे। देखते ऊपर लाएंगे या नहीं लाएंगे, हो सकता है नीचे ही बना दे। बाकी नाश्ता भी नहीं करा सुबह से हमने, हाँ बस बिस्कुट खाए हैं और कुरकुरे खाए हैं बस। कितना काम करते हैं यार यहाँ पे ना, मतलब अपने दिल्ली में इतनी सर्दी हो रखी है, यहाँ पे तो भाई साहब हाफ टी शर्ट के अंदर भी ऐसी धूप चुभ रही है ना, और यही धूप अगर अभी दिल्ली में निकल जाए ना मजा आ जाएगा भाई, सबको मजा आ जाएगा। वहाँ पे बंदे ठंड से ठिठुर रहे हैं, यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है। इतनी जैकेट भर भर के लाए थे हम, कोई सी यूज में नहीं आई, सारी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। चले ऊपर चले, चलो भाई चल लेते ऊपर भी। यहाँ पे जगह भी इतनी है चढ़ने की कि एक बारी में एक ही बंदा चढ़ पाएगा। चलता जा चलता जा। मैं तो आ गया ऊपर, अब राजेश आ रहा है, देखो बहुत ही ऊंचे बादलों के पास। ओ भाई साहब ऊपर आते आते ना सीढ़ियां ज्यादा हिलने लग रही है, नीचे से तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि मजबूत है। अब एक तो ये है भी इतने पुराने टाइम की कि ज्यादा यकीन भी नहीं करा जा सकता। हाँ ये जगह बढ़िया भाई, खुली खुली यहाँ बैठो यार, रात को बैठो ठंडी हवा में, खाना बना के लाओ या बनाने का सामान ले आओ, और उसके बाद में बढ़िया मजे लो। ओए होए ये है ना पानी, ओ भाई ये टंकी का पानी, और ये गेट भी खुला हुआ है, इसका ढक्कन भी नहीं है बताओ। अब देखो शायद थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा आपको पानी, ये सीढ़ियां जा रही है नीचे पानी तक, और बहुत ही गहरा है भाई ये तो। वो देखो नीचे रिफ्लेक्शन दिख रही है पानी में हमारी, आ जाओ भाई पीछे आ जाओ अपने, तो 1 लाख लीटर तो पाएगा इसमें भाई। देखना एक बार लंबाई चौड़ाई देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कितना बड़ा है। अपने घर की टंकियों में 500 लीटर होता है, कईयों में 1000 भी होता है, और अब देख लो वैसी कितनी टंकियां यहाँ पे रखी जा सकती है, यहाँ रखी जा सकती है, और ये तो पूरी टंकी है, इतनी बड़ी तो घरों की छत नहीं होती दिल्ली में भाई साहब। जब ही तो यार मतलब टंकियां ऐसी और भी बहुत होती है, लेकिन ना वो छोटी होती है इससे काफी, बहुत बड़ी। ये टंकी का बाप है, माँ है माँ। ये देखो पूरा खाली, पूरा सुनसान, पूरे इलाके में कुछ नहीं है। यहाँ से भी पूरा पानी पानी दिखाई दे रहा है। ओ देखो ओए होए इतना बड़ा तो घर हो जाएगा, इतने बड़े होते हैं मैरिज होम। इसमें तो दिख रहा है भाई, अरे ये तो खाली है, खाली है। हाँ पानी ना उसके नीचे है, इसके नीचे है पानी शायद। तो ये देखना पानी चेक करने के लिए कैसे कोड़ा हो रखा है पूरा। ओ भाई साहब हॉन्टेड प्लेस है ये, इसके नीचे आपने देख लिया कितना गहरा है, और इसके अंदर मुंडिया से बाढ़ रखी है, अगर भूत होगा तो अंदर खैच लेगा 1 मिनट में। देखो यार कुछ दिखाई दे जाए तो सही है, नहीं तो रात में लाइट लेके आएंगे फिर शायद दिख जाएगा आपको। आवाज की तो कोई कमी अभी नहीं। देखो ये जो आपको ये दिख रहा है ना सिरा, ये तो खाली पड़ा है पूरा, साइडों में पानी है ठीक है,
अभी इसके ऊपर तक पानी नहीं आया, साइडों में पूरा पानी भरा हुआ और काफी गहरा है वो भी। तो मतलब यार यहाँ पे ना पहले तो रेगुलरली इसका ध्यान रखा जाता था, सही से देखभाल होती थी, लेकिन जब से अफवाह उड़ा दी ना तब से यहाँ पे ना रात की तो छोड़ो दिन में भी कोई नहीं आता इसके आसपास। तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे है नहीं, हमने सोचा कि भाई अपना फ़ोटो शूट कर लेते हैं, यहाँ पे इतनी प्यारी वॉन्टेड लोकेशन है, शूट तो बनता है। फ़ोटोज़ देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूज़र नेम ये लिखा पड़ा है एक्सप्लोरिंग इंडिया वन, क्योंकि नंबर वन है ना हम, इसलिए एक्सप्लोरिंग इंडिया वन टॉप पे, नंबर वन वॉन्टेड चैनल टॉप पे आ गया भाई। जहाँ भी जाते हैं हम टॉप पे पहुँच जाते हैं पहले, क्योंकि नंबर वन है चैनल, पसंद है ऊंचाइयाँ, पसंद है ऊंचाइयों पे, नीचे आने का मन नहीं करता। अब भाई नीचे लाना भी मत, ठीक है, लाना भी मत, तुम्हारे ऊपर है, बहुत मेहनत करके ऊपर आए, नीचे मत लाना बस अब। अच्छा ये देखो ये जो रास्ता है ना यहाँ से नीचे जाने का, ठीक है, तो अंदर तो पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन सोच रहे हैं कि रात को नीचे उतर के देखे, वैसे तो खैर भाई रिस्क पूरा है क्योंकि ये सीढ़ियाँ पता नहीं कितनी मजबूत है कितनी नहीं है, लेकिन उतरने को अभी भी उतर सकते हैं, लेकिन रात में उतरने में जो मजा आएगा ना, दिन में तो क्योंकि वैसे भी आप बोलोगे यार दिन में थोड़ी ना भूत दिखता है, लाइट लेके नहीं आए, नीचे जाने का फायदा नहीं है अभी तो कुछ, लाइट भी नहीं लाए फिर ऊपर से बंदे बोलेंगे दिन में थोड़ी भूत आते हैं, दिन में जाके भी क्या उखाड़ लिया, रात में जाके दिखाओ तो माने, तो इसलिए रात में ही जाके दिखाएंगे यहाँ पे। अभी सोच रहे नीचे चलते हैं क्योंकि भूख लग रही है, मैगी बनानी है, मैगी खाएंगे भाई, मैगी खाएंगे भाई, और लाए भी नहीं कुछ बनाने का, वही है बस। अच्छा यहाँ से चढ़ तो गए थे भाई, लेकिन उतरने में ना अब डबल डर लग रहा है क्योंकि एकदम सीधी खड़ी सीढ़ियाँ है, और देखो एक बार नज़ारा देखो, ये यहाँ से सीधा अगर थोड़ा सा इधर गए ना तो भाई बंदा ख़त्म है फिर तो। तो ये देखो भाई आ चुके हैं ऊपर से नीचे, और अब गाड़ी में से निकाल रहे हैं अपना सिलेंडर और पतीला वतीला सब कुछ रख रखा है इसके अंदर, यहाँ से निकाल के सारा सामान अंदर लेके चलेंगे क्योंकि वहाँ पे छाया है, यहाँ पे पूरी धूप ही धूप हो रखी है, वहाँ ले जाके बनाते हैं भाई मैगी, क्योंकि आसपास तो यहाँ है नहीं कुछ भी खाने पीने के लिए, दूर दूर तक कुछ नहीं है यहाँ भाई। तो भाई मैगी बना ली है, और मैगी बना के ना वापस गाड़ी में ले आए हैं क्योंकि वहाँ पे ना पूरा गंदा गंदा हो रखा था, तो वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन हवा ये है कि हवा वहाँ पे ज़्यादा प्यारी चल रही थी, लेकिन बैठने का नहीं था तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए अपना मैगी बना के वापस आ गए हैं। चम्मच भी हमारे पास ये वाली है, कांटे वाली चम्मच लाना भूल गए, ये वाली चम्मच से खाना पड़ेगा, पर ठीक है ऐसी जगह पे जहाँ पे खाने के लिए कुछ ना मिल रहा हो वहाँ पे ये भी बहुत है, बहुत है भाई, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैगी की, इसकी टेस्टिंग करके बताएंगे ये कैसा बना है, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी खरीद लेना। गरम है? ज्यादा गरम है? एक तो मिर्च ज्यादा हो गई और दूसरा अलग ही फ्लेवर सा आ रहा है इसमें, तो भाई जो मैगी हम बनाते हैं नॉर्मली वो वाली मैगी नहीं बन रही। मैं तेरे से कह भी रहा था स्टार्टिंग में, मैंने इसको बोला भी था कि भाई दो पैकेट मत गिर, एक ही पैकेट बहुत है, कह रहा नहीं नहीं भर के बनाएंगे ना, भर के ही बनाता या तो अब जलेगा मुंह, ज्यादा हो गए अब भाई मुंह जलेगा, इसलिए वीडियो कर रहे हो बंद, वरना आप देखते रहोगे हमारे हर चम्मच के बाद में एक्सप्रेशंस। तो अभी वैसे ना एक लोकेशन सर्च करी है जो हॉन्टेड बोलते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है अभी यहाँ से ना वहाँ पे जाए अगर टाइम मिला तो, और अगर वहाँ का डे शूट हो गया तो नाइट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। फिलहाल तो ये जगह बताओ कैसी लगी आपको कमेंट करके, बढ़िया लगी हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? भाई बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, और इंस्टा पे फॉलो जरूर करना।
यूजर नेम है ये एक्सप्लोरिंग इंडिया वन, ठीक है, बाय बाय। वीडियो तो खत्म कर दी थी लेकिन ये देख लो हालत क्या हुई है, पसीने आ रहे, पसीने गंदे भाई साहब, होठ देख रहे हो, इतनी मिर्चे होठ लाल लाल लग रहे हैं और लग रहे जैसे लिपस्टिक लगा ली हो, आंखों में देखो एक बार, अभी भी रहती है और पूरी खत्म नहीं हुई।